In this video we will discuss about the emf internal resistance terminal potential to understand the movement of charge in electrical circuit let us discuss a very simple example i am having a device this is our device or we can say battery or a cell this battery is connected to the external resistor having resistance R through this key. Now, this battery have two terminals, positive, which is at higher potential, negative at a lower potential. When this key is open, or we can say that this device is not connected to this resistor, then internal chemical reaction does not cause any net flow of charge. However, when this key is closed, then this device is connected to the रजिस्टर देन द इंटरनल केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस कॉजेज द पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल सो इस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी ये फोर्स करेगा पॉजिटिव चार्ज को टू मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल मतलब लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इस पॉजिटिव मींस हायर मतलब हायर पोटेंशियल मींस हायर पोटेंशियल एनर्जी so the electric field we know that it is from positive to negative then this positive charge is moving against this electric field so there must be some energy supplied during the chemical reaction which is forcing this charge particle to move against the electric field मुझे मालूम है अगर नेचुरली कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और इसको मैं फ्री छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दिस मीन्स समबॉडी सम इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज सो अंदर जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी ये फोर्स करता है पॉजिटिव चार्ज को टू मूव फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट दिस मूवमेंट ये जो मूवमेंट हुई पॉजिटिव चार्ज की फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इट विल कैरी आउट इन द एक्सटर्नल सर्किट आल्सो, ये एक्सटर्नल सर्किट में भी वो कैरी आउट रहती है सो दिस कॉज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट, हेयर आल्सो आई वॉन्ट टू मेक नोट दैट पॉजिटिव चार्ज डज नाट मूव because it make some understanding so i assume the positive charge to move now to analyze furthermore let i make any section a, a dash let in delta t time dq charge is crossing this area of cross section the same amount of charge must enter the device at lower potential एंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल लीव एट दायर पोटेंशियल मतलब के जितना चार्ज मान लो डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में यहां क्रॉस करता है तो उतना ही चार्ज इससे अंदर जाएगा डिवाइस के और उतना ही चार्ज उस डिवाइस से बाहर आएगा सो द बैटरी मस्ट डू सम अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डी डब्ल्यू ऑन दिस चार्ज डी क्यू टू फोर्स इट टू मूव इन दिस वे सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द फर्स्ट टर्म दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये जो फोर्स सप्लाइड बाय द केमिकल एनर्जी जो इस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था जो फोर्स कर रहा था इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में from negative plate to the positive plate so that force is known as electromotive force so one more point i want to make here is emf is not a force it is just a potential since it is forcing this positive charge to move so that is why we call it as a Force otherwise, it is not a force, it is the potential, its dimension is potential. Now, let us discuss about the definition of EMF. So, EMF that is electromotive force of the battery is defined as the amount of work done unit charge that it does in moving a charge so as we have discussed so this was our device this was our positive terminal this was our negative terminal and it is connected with the some external resistor so what is the electromotive force इलेक्ट्री मोटिव फोर्स इट इज ए अमाउंट ऑफ वर्कडन टू मूव ए चार्ज थ्रू आउट दिस इलेक्ट्रिकल सर्कट जितना चार्ज यहां से वो अंदर जाएगा उतना ही यहां से आगे से खिसकेगा यहां से भी वो उतना ही चार्ज क्रॉस करेगा उतने ही टाइम में सेम सिमिलरली इफ यू टेक ए फुल लूप द डी क्यू चार्ज इज क्रॉसिंग जैसे ही डी क्यू चार्ज यहां से क्रॉस करेगा सेम डी क्यू चार्ज इस इस सेक्शन से भी क्रॉस करेगा उतना ही चार्ज इस सेक्शन में और इस डिवाइस में दैट इस बैटरी में इंटर करेगा उतना ही चार्ज इस बैटरी से लीव आउट करेगा तो इसका मतलब क्या है दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज एट ऑल द सेक्शन ऑफ दिस लूप इज बिकॉज ऑफ द फोर्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी सो दैट अमाउंट ऑफ वर्क Per unit charge is known as electromotive force, or you can say that it is the maximum potential generated by a cell. So, EMF is nothing but it is a maximum potential generated by a cell, or a, we have a second definition also. So, it is a potential difference. इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी और इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल वेन देर इज नो करंट वेन द लूप इज और की इज ओपन जब की ओपन रखेंगे तो उस बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे ई एम एफ so according to the formula the emf is what it is the amount of work done per unit charge as we have discussed in above definition so next one is so this is all about your emf so basically emf is what maximum potential generated by a battery is known as emf now let us discuss about the internal resistance as we have discussed for the case of cell or a battery so there is a chemical reaction which is taking place and the positive charge because of this chemical reaction when the circuit is closed this positive charge will move from the negative plate to the positive plate or from lower potential to the higher potential so this means that there is a movement of ions which are taking place inside a battery or a cell so this movement of ions inside a battery will feel a resistance force that resistance force causes a internal रेसिस्टेंस हमें मालूम है इस डिवाइस के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो ये जो मूवमेंट ऑफ आयन हो रही है पॉजिटिव की इधर से इधर जाएगी और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा तो ये जो मूवमेंट ऑफ आइन्स हो रही है दिस मूवमेंट ऑफ आइन्स विल फील अ रेजिस्टेंस फोर्स सो दिस रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड इन साइड दिस बैटरी इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस या सिंपल टर्म में हम ये बोलेंगे कि सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, है ना आयन की मूवमेंट की वजह से उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस सो फॉर प्राइमरी सेल द मूवमेंट ऑफ आयन कॉज इज अरे रेजिस्टेंस या ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड का भी हो सकता है सो इंटरनल रेजिस्टेंस किस बात पे निर्भर करता है इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स दैट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स Internal resistance decreases with the temperature. As the temperature is increased, the internal resistance, that is small r, decreases because we know that because of more temperature, the ions move freely. So they feel less resistance. So we generally represent internal resistance by small r. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज कॉज अ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द बैटरी इन द फॉर्म ऑफ हीट नो लेट एस डिस्कस अबाउट द टर्मिनल पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल और टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और ए सेल वेन द सर्किट इज क्लोज जब की को क्लोज कर देंगे तो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज ए टर्मिनल पोटेंशियल नो टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनल पोटेंशियल टर्म लेट एस डिस्कस हियर वट इज ई एम एफ मोर ई एम एफ इज बेसिकली द पोटेंशियल जनरेटेड बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ये हमारे पास सेल है दिस सेल हैव एन इलेक्ट्रोलाइट

ठीक है पर जब हम की को क्लोज कर देते हैं तो इसमें मान लिया करंट आई पैदा हो गया तो करंट आई पैदा होने की वजह से हमें मालूम है इस सेल का भी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट की वजह से कुछ रेजिस्टेंस होता है और ये रेजिस्टेंस क्या करता है कुछ एनर्जी लॉस कर देगा तो अगर इस सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल जो जनरेट कर सकता है अगर वो ई e है तो उसमें से कुछ पोटेंशियल जो है वो अपने अंदर ही वो कंज्यूम कर लेगा ड्रॉप कर देगा जैसे मान लो इस सेल की ईएमएफ है फाइव वोल्ट अब बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया दैट इज वन वोल्ट सो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पांच इसने टोटल प्रोड्यूस किया था एक इसने कंज्यूम कर लिया तो बाकी कितना बचा सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड या यू कैन से दैट वट इज द पोटेंशियल विच इज गिवन टू द आउटसाइड सर्कट बाहर के सर्किट को उसने कितना पोटेंशियल दिया सो दैट विल बी इक्वल टू फोर वोल्ट सो यू कैन सी ऑल्सो से दैट द टोटल ई एम एफ जनरेटेड बाय दिस सेल बाय दिस प्राइमरी सेल इज इक्वल टू द कितनी एनर्जी अंदर लॉस हुई प्लस कितनी एनर्जी बाहर लॉस हुई सो टोटल ई एम एफ इज इक्वल टू फॉर ए कंप्लीट एनर्जी जनरेटेड मस्ट बी इक्वल टू कंप्लीट एनर्जी लॉस जितनी इसने जनरेट करी थी सारी की सारी एनर्जी लॉस हो जाएगा सो so, यहां पर सो टोटल पोटेंशियल कितना है ई एम एफ इस अंदर लॉस हुआ अगर रेजिस्टेंस उसका आर है तो पोटेंशियल लॉस कितना होगा है ना पोटेंशियल क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इट इज इक्वल टू आई इन टू आर सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट द पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा आई इंटू आर सो दिस टर्म प्लस कितना बाहर लॉस हुआ तो बाहर एक ही रेजिस्टेंस है मेरे पास तो यहां कितना लॉस हुआ आई इंटू आर कैपिटल आर सो दिस इज योर पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ और टोटल पोटेंशियल लॉस हो गया पूरे चक्कर काटने में पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड मीन्स द पोटेंशियल विच इज गिवन टू द आउटसाइड सर्किट So, here you can see that the terminal potential is equal to total potential generated minus the potential consumed due to the internal resistance. So, that is equal to what? IR. What is the total power generated or total potential generated? That is E. So, from here you can say that V is equal to E minus IR. So, this is your terminal potential. Terminal potential is. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड या वट इज द पोटेंशियल कंज्यूम्ड बाय द आउटसाइड इलेक्ट्रिकल सर्किट जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इसमें बाहर कितना कंज्यूम हुआ सो so, बाहर मेरे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस है सो so, इसमें कितना लॉस हुआ अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें कितना लॉस हुआ तो टर्मन पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज आई इन टू आर सो देर टू फार्मूलास टू राइट ए टर्मेन पोटेंशियल that is e minus ir and v is equal to ir further i will explain this whole concept of emf thermal potential and internal resistance with this example suppose i am having a cell whose emf is e and internal resistance is r this forms a complete cell it forms a complete cell. This cell is further connected to the resistance capital R. Now, if I suppose total EMF is 10 volt and the potential drop across the internal resistance is 2 volt, so cell k under कितना पोटेंशियल रह गया दस था दो इसने खुद ही कंज्यूम कर दिया सेल ने दो वोल्ट पोटेंशियल खुद ही कंज्यूम कर दिया तो बाहर कितना देगा वो टेन माइनस टू दैट इज एट वोल्ट बाहर कितना कंज्यूम हुआ था एट वोल्ट सो दिस इज योर टू वेस द टर्म पोटेंशियल इज इक्वल टू आई द टेन माइनस टू या टर्मनल पोटेंशियल इज इक्वल टू बाहर कितना कंज्यूम हुआ बाहर कंज्यूम हुआ दट इज एट वोल्ट अगर इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है तो इट इज आई आर और यहां पर ई एम एफ माइनस आई पोटेंशियल ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर सो दिस इज यूर ऑल अबाउट योर टर्मिनल पोटेंशियल